गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी के लेक्चर 2 में क्वेश्चन, जो कुछ केसना का हम लोग बुक फॉलो करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है बच्चों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या है, इज एफ एक्स इक्वल्स 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 ये पूछ रहा है आपसे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब समझिए, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ेगा और फंक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू इस पर निकलता है और फंक्शनल वैल्यू इस पर निकलता है, बराबर वाले पर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 कितना होगा, एफ ऑफ 0 ई होगा, अच्छा। लिमिट कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा लिमिट, क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर। अब एक बात जान लीजिए, 1 प्लस एक्स का पावर एक्स अगर रहेगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ई हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ई, ये भी हम लोग जान सकते हैं कि ई कैसे होगा। सुनिए, 1 प्लस एक्स का पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स का पावर एक्स का एक्सपेंशन, एक्सपेंशन समझते हैं, हाँ, एक्सपेंशन मतलब इसका फैलाव, इसका होता है ई इंटू 1 प्लस एक्स बटा 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 का फैक्टोरियल, इस तरह से ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में थोड़ा सा होगा बीच में, ठीक। अब सुनिए, अब अगर हम लोग इसमें लिमिट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इस पूरे के जगह पर इतना रखेंगे हम लोग इस तरह से। अब सुनिए, इसके बाद ई वन के बाद सुनिए, ई वन के 3 को डॉट दिए हैं, क्योंकि इसी प्रकार से बढ़ेगा, यहां फैक्टोरियल का सिंबल है, फैक्टोरियल का है। सुनिए, अब एक बात आप जानिए, अगर हम लोग एक्स के जगह पर 0 पुट कर देंगे, कितना पुट कर देंगे, तो ये जितना भी है ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी इसके बाद का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ई इंटू 1 प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, इसलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बात को समझ रहे हैं कैसे आएगा। सो अब सुनिए, एक बात और जानिए कि इसके जो एक्स, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो एक्सपेंशन पर हम लोग बना सकते हैं लिमिट वाला, ठीक है, लिमिट वाला जो क्वेश्चन है हम लोग एक्सपेंशन पर भी बना सकते हैं। हो सकता है कि मे बी जब मैंने लिमिट का लेक्चर लिया होगा तो उस समय ये फॉर्मूला छूट गया होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए इस तरह से, अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या है, आपस में सेम है ना, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या है, दोनों का दोनों सेम है। लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स 0। किसी को, हाँ किसी को कोई समस्या है इसमें, हाँ इसका फॉर्मूला हो गया, ये एक्सपेंशन है इसका, ठीक है, इसका एक्सपेंशन है, जैसे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है ना, जैसे कि हम लोग लिमिट जो प्रूफ करते हैं, सुनिएगा, हम लोग लिमिट जो प्रूफ करते हैं, सुनिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स लेते हैं ना हम लोग, साइन एक्स बाई इसका वैल्यू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं क्या, तो हम इसमें साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसको भी एक्सपेंड करके हम बता सकते हैं कि इसका लिमिट 1 ही क्यों, ठीक है, इसका लिमिट 1 ही क्यों।
बात समझ रहे हैं। जैसे कि अगर लिमिट हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू जीरो टेन x बाई x, कितना लिखते हैं, वन लिखते हैं, ठीक है। फिजिक्स में एक दो जगह पर आप लोग यूज करते होंगे कि टेन थीटा जो होता है वो सिमिलर टू थीटा हो जाता है, कभी कैसे सिमिलर होता है, थीटा जब बहुत स्मॉल हो, थीटा जब क्या हो, बहुत स्मॉल होता है। देखिए समझिएगा, जो आपको पता है कि अगर मान लीजिए टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, यानी थीटा अगर जीरो की ओर जाएगा जिस समय, तो थीटा जीरो की ओर जाएगा मतलब क्या है, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो थीटा अगर जीरो की तरफ है तो टेन थीटा भी कहाँ है, जीरो की तरफ, यानी कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल, इसलिए टेन थीटा और थीटा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यूज किए होंगे आप लोग, ये सब किसका दिया हुआ है, लिमिट का ही दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद और कोई, सिक्स के बाद कोई क्वेश्चन, अच्छा सिक्स में आपको कोई समस्या है क्या, सिक्स में कोई समस्या नहीं ना है, सिक्स के बाद क्या नंबर है, एट है सिक्स के बाद, चलिए सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर एट है। आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं कि नहीं, सो बताइए। एक बार जान लीजिए, आपका केसी सिन्हा का बुक जो चल रहा है, एक बार जानिए केसी सिन्हा का बुक जो चल रहा है उसके साथ साथ जो बच्चे अभी बुक नहीं खरीदे हैं, क्योंकि आपका अब जून चल रहा है, आधा सिलेबस आपका लगभग लगभग मानिए तो तरह से आधा नहीं, क्योंकि सिलेबस हम लोग लेट स्टार्ट किए हैं, आधा नहीं तो लगभग 40% सिलेबस खत्म हो चुका है, 40 या 35% सिलेबस। अब जो चलेगा सिलेबस एकदम लगातार चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, बुक्स वगैरह फॉलो करने के लिए केसी सिन्हा तो आप लोग बना ही रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, अगर एनसीईआरटी है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप क्या कीजिए, देखिए बुक मेरा, हम बुक से बहुत ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि बुक एक ऐसा चीज है जो आपको क्या करेगा, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर करेगा, उसका क्वेश्चन जो उसमें होगा उसके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जब तक आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाइएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। केसी सिन्हा हो गया, आप एनसीईआरटी में सुन लीजिए, एनसीईआरटी का एक तो बुक आ गया, एक एग्जाम्पलर बुक आता है, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आर एस अग्रवाल सर का, हाँ, या फिर आर डी शर्मा, ये सब बुक अगर आप कर लेते हैं तो आपका बोर्ड तो अच्छा होगा ही, लेकिन इसके ऊपर जो इंजीनियरिंग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है वो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उसके बाद, या फिर आप, आपका बेस एक कंक्रीट हो जाएगा, एक पिलर बन जाएगा आपका बेसिक का, जो कि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं करेगा, बस समझ रहे हैं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या है, केसी सिन्हा का। अभी हम लोग का केसी सिन्हा का बुक चल रहा है, अगर आपको किसी भी अलग बुक से अगर पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर एट है कि इफ एफएक्स इक्वल्स एक्स क्यू का मोड अपॉन एक्स है, व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और बराबर जीरो है व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें आप लोग लिमिट का वैल्यू निकाल ही सकते हैं, लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, सो बताइए, निकाल सकते हैं ना, क्या आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सो बताइए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो इसको आप ये भी तोड़ सकते हैं, देखिए सुनिए, जब यहाँ पर x does not equals to zero है, x क्या है, does not equals to zero है, तो क्या हो जाएगा, x does not equals to अगर zero है तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, एक होगा कि x zero से छोटा होगा और एक होगा कि x zero से बड़ा होगा। तो आप लोगों ने मोड के बारे में पढ़ा होगा कि मोड x का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि एक बार माइनस x होता है जब x का वैल्यू जीरो से छोटा, एक बार x होता है जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा और बराबर, ठीक है। यहाँ पर बराबर के लिए तो कंडीशन हमको चाहिए ही नहीं, हमको किसके लिए चाहिए, छोटा के लिए और बड़ा के लिए। तो x का वैल्यू जब जीरो से छोटा हो, x का वैल्यू जब जीरो से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा जब जीरो से छोटा होगा, तो आपको पता है ऑब्वियस ही बात है कि मोड एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स क्यूब बट्टा में एक्स, यानी कितना चला आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को समस्या है इसमें, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, किसी को समस्या है, आप बताइए कि x का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है तब क्या होगा,
एक्स क्यूब बटा एक्स यानी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और एक्स का वर्ग जब जीरो के बराबर है तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तीन कंडीशन हमको हो गया। अब एक बात जान लीजिए, इसमें क्या लेंगे हम लोग, अब चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि चलिए इतना जानने के बाद आप लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बताइए हाँ या नहीं, जवाब दीजिए। अब सुनिए, अब यहाँ पर आप एल एच लिमिट कैसे निकालिएगा, आर एच लिमिट कैसे निकालेगा, फंक्शन वैल्यू कैसे निकालेगा, आपको पता है। इसमें से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं? कोई ऐसे हैं जो नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को? देखिए जिसका पीछे वाला छूटा हुआ है तो पीछे वाला जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, बना लेंगे क्वेश्चन ये। क्योंकि इसमें एल एच आर एच तो निकल जाएगा, एल एच लिमिट आप इस पर निकाल लीजिएगा इस कंडीशन पर, इस पर आर एच लिमिट निकाल लीजिएगा इस पर फंक्शन, सबका सब जीरो चलाएगा। मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे कर लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स, अरे इसमें क्या दिक्कत है, एफ एक्स दिया हुआ है, सुनिए एक्स इक्वल जीरो पर देखना है, किस पर देखना है, मतलब एक्स इक्वल जीरो पर देखना है। और ये भी कह रहा है, सुनिए ये भी कह रहा है कि एन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब समझिए एफ एक्स इक्वल्स कितना है, एक्स के पावर एन, ठीक है। तो हमको चेक करना है ये डायरेक्ट किसी एक पॉइंट पर है ना, तो फंक्शन ऑफ जीरो निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, ये बोलिए तो जीरो का पावर कितना आ जाएगा, लिमिट निकाल लीजिएगा यहां से कितना होगा, बोलिए। अगर x अगर जीरो की ओर है और x का पावर, सुनिएगा x का पावर अगर पॉजिटिव, सॉरी n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर इसलिए बाबू ने कि n नेगेटिव अगर हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लिमिट, यानी कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म में चलाएगा। अगर n अगर पॉजिटिव नहीं रहता, n अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। जैसे मान लो कि n अगर नेगेटिव है तो x के पावर माइनस वन हो गया, यानी वन बाई एक्स हो गया। अब यहां पर अगर x जैसे ही पुट करेंगे जीरो तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, इसलिए यहां पर n को क्या कहा गया है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हम आसानी से यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको जीरो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत उसमें, कोई समस्या? अब देखिए लिखेंगे सिंस लिमिट क्या है, लिमिट किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ जीरो के, देयरफॉर लिख सकते हो कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स, बात समझ रहे हैं। तो इस n की बहुत बड़ी भूमिका थी, जान लीजिए ये n जो है ये ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में कोई बात अगर लिखा हुआ रहता है तो ऐसे ही नहीं लिखा रहता है, उसका कुछ ना कुछ जानकारी उसमें होता है, बात समझ रहे हैं। n इसमें पॉजिटिव इंटीजर क्यों कहा था, हाँ अगर कहा था कि n इज अ इंटीजर, अगर सिर्फ कहता है n इज अ इंटीजर तो उस केस में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, रियल नंबर रखा था तो भी नहीं होता कंटिन्यूअस। मान लीजिए x का वैल्यू हम रख दिए, सुनिए x का वैल्यू हम रख दिए माइनस टू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे ही x टेंस टू आप जीरो लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट और एक क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से क्या होगा, वैल्यू आपका मैंने लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, बात समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन, 10 में क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट रखिए लिमिट रखिए और फंक्शन वैल्यू निकालिए, क्या है एफ एक्स इक्वल्स कितना है, देखो एफ एक्स इक्वल्स है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव, एक्स इक्वल्स पाई पर देखना है, तो क्या दिक्कत है इसमें, एफ पाई निकालना, तुम एफ पाई नहीं निकल जाएगा, एफ पाई कितना होगा बोलो, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव,
कितना होगा साइन पाई का वैल्यू? जीरो। साइन पाई का वैल्यू कितना होगा? कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस, हो गया ये आपका फंक्शन वैल्यू हो गया। इसी प्रकार लिमिट निकाल लीजिएगा, बनाइएगा इसको, ठीक है? इसको आप लोग खुद से बना के देखिए। चलिए अब 11 में क्या है भाई, 11 का दो क्वेश्चन है इसमें। इसमें लिमिट आपको लेना होगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट आपको साथ मैंने नहीं पढ़ाया था। एक्स के ऊपर नहीं, 1/x क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स, छोड़ देते हैं ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन मैंने अभी नहीं पढ़ाया क्लास, ठीक है? उसका क्लास मैं एक दिन अलग से ले लूंगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जिसमें पूरा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक होगा, जिसमें उसका लिमिट होगा, है ना, उसकी कंटिन्यूटी होगी सारे बात। चलिए अगला बोलिए क्या है क्वेश्चन, 12 का, 11 का पहला दूसरा जो है, ठीक है, 11 का पहला दूसरा वो क्वेश्चन अभी हम लिमिट का फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उस पर बन जाएगा। लिमिट का फॉर्मूला अगर मैं लिखवा दूंगा तो फिर आपसे वो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 12 के तीसरा से पहले किसी को पूछना है क्या? आप लोग बनाए ही नहीं है क्या साहब? वो पीछे करना होगा लगता है, 12 का तीसरा ना तुम लोग करे, राजीव रंजन क्या है एफ एक्स इक्वल्स? 1 माइनस यहाँ कितना है? इसका कंटिन्यूटी चेक करना है जीरो पर, कैसे करना है? कंटिन्यूटी, ठीक है? अब कंटिन्यूटी इसका चेक करना है। आप सुनिए, आपको तो फंक्शनल वैल्यू डायरेक्टली 1 दे दिया है, इसमें कुछ करना है क्या आपको? फंक्शन ऑफ 0 1 होगा, लिमिट निकालने में परेशानी है तो हम लिमिट निकाल देते हैं क्या? हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए डायरेक्ट अगर x डज नॉट इक्वल टू 0 है उस वाले में ना तो आपको LH लिमिट निकालने की आवश्यकता है और ना ही RH, उसमें आप लोग डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं। बात समझ गए? कितना हो जाएगा बोलिए? fx ये किसके बराबर? लिमिट, सुनो fx का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो, तो है इतना। अब तुम क्या कर सकते हो, 1 माइनस कॉस का एक फॉर्मूला सुना है कभी कि नहीं? इसका फॉर्मूला था 2 sin स्क्वायर एक्स बाई, ये फॉर्मूला सुने होगा कभी, तो फॉर्मूला डालते हैं यहां पर। चलो कितना हो जाएगा, 2 sin ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो बताओ ऐसा हो जाएगा? चलो अब बताओ 2 को हम बाहर कर सकते हैं क्या? चलो लिमिट, अब सुनिए यहां पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है, तो क्या इसको हम ऐसा करते हैं, साइन बटा x का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं सो बताओ? हैं, अब एक बात जानो कि यहां x बाई 2 है और यहां क्या है, x है, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, 2 से गुना और ऐसा कर सकते हैं। अब सुनो इसको हम क्या ऐसा कर सकते हैं, 2 into लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए ये जो 1/2 है कांस्टेंट है, इस 1/2 को कहां ले जाएंगे हम लोग, बाहर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 1/4, क्या बन जाएगा 1/, क्योंकि देखिए 1/2 जो है अगर ये बाहर निकलेगा स्क्वायर से तो क्या बनेगा, ये 1/4 ना बनेगा। आगे क्या हो जाएगा इसमें, साइन एक्स बाई 2 अपॉन, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये 2 को क्या कर रही है हम लोग, बाहर ले गए हैं, तो बचा क्या नीचे, अगर इस 2 को हम लोग बाहर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स बाई 2 बचेगा। चलिए एक्स बाई 2 हो गया, का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा सो बताइए, ऐसा होगा कि नहीं होगा सो बताइए, इतना बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? चलिए
अब सुनिए ये 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो कहाँ चलाएगा, बाहर। टू इंटू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू। एक बात समझ लो बउआ रे, हम एक चीज तुमको बताए थे, अगर तुमको याद हो तब, अगर तुमको याद हो तो एक चीज मैंने तुमको बताया था कि अगर कभी भी फंक्शन में लिमिट लेना हो, सुनिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का पावर अगर एन है, क्या है एफ एक्स का पावर, तो इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा। फॉर्मूला क्या था कि लिमिट में को अंदर कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का होल पावर, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ नहीं बोलिए, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सोचिए। चलिए तो इसके बाद ये लिमिट बाय कहाँ चल जाते हैं, अगर x जीरो की ओर है तो x बाई टू कहाँ होगा, अगर x अगर जीरो की ओर है तो x बाई टू भी कहाँ होगा, जीरो की ओर, तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, इसको पहले से काट दो, कितना आ गया, टू आ गया, कितना हो जाएगा लिमिट 1/2 लिमिट कितना x टेंड्स टू जीरो, ई कहां चल जाएगा बताओ, साइन एक्स बाई टू बट्टा एक्स बाई, और नहीं दिख रहा है ना उधर, कितना आ जाएगा आंसर बताओ, इसका वैल्यू कितना होता है, तू थोड़ी देर पहले बताया इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, हम्म, कितना हो जाएगा इसका एक हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 1/2, यानी कि ये हो गया 1/2 लिमिटिंग वैल्यू, ये 1 है, तो बताइए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, बिल्कुल आंसर की बात नहीं है यहाँ, यहाँ प्रूफ करने की बात है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, बात समझ गए, लिख सकते हैं भाई, पॉइंट में नंबर है, नंबर को आप पॉइंट में लिखिए चाहे पट्टे में लिखिए कोई मतलब नहीं है, हाँ बात वही है, समझ गए, देखिए तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू सुनिए, हमारा लिमिटिंग वैल्यू कितना आया 1/2, सुनिए हमारा लिमिटिंग वैल्यू कितना आया 1/2, और फंक्शनल वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या है, दोनों बराबर है क्या आपस में, नहीं ना है, क्या आप लोग को दिख रहा है यह चीज कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर है कि नहीं, नहीं है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स जीरो, ठीक है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स जीरो, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, अरे चौथा नंबर में क्या है, देखो एफ एक्स इक्वल्स है, हाँ, मोड एक्स माइनस वन, चलिए अरे भाई मेरे देखो ये x है, ये a है, यहाँ मोड लगा हुआ है x माइनस a, चलो अब सुनिए एक बात और समझिए कि यहाँ मोड x माइनस वन बटा x माइनस a है, क्या अब ये कुछ आपको सिग्नम फंक्शन की तरह नहीं लग रहा है, सो बताइए, ये मैंने एक बताया था सिग्नम फंक्शन, हाँ नहीं बुझा दीजिए, सिग्नम फंक्शन की तरह आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सो बताइए, सिग्नम फंक्शन बताया था ऐसा वाला एफ एक्स सिग्मा क्या होगा मोड एक्स बाई एक्स, ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ऐसा चीज हम बताए थे आपको मोड वाला, उसी पर यहां ना क्वेश्चन है क्या, तो क्या आप लोग इसका लिमिट निकाल सकते हैं कि नहीं, यहां पर सॉरी वन दिया हुआ है, यहां पर वन दिया हुआ है, सॉरी देखिए सुनिए सुनिए, मोड एक्स माइनस ए है तो एक्स का वैल्यू अगर ए के बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, इस कंडीशन को अगर आप तोड़िएगा तो इस कंडीशन को बाबूरी आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक बार ये माइनस एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस ए होगा, कैसे, कहे कि एक्स का वैल्यू जब ए से छोटा होगा तब होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा जब ए से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, मोड वाला जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्या आप लोग तो इस बात को जानते हैं पहले से, ठीक है
देखते हैं फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर एक बार पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, जब x का वैल्यू क्या होगा a से बड़ा होगा क्या। इसके बाद एक बार एक होगा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू जब a के बराबर है। अब सुनिए कि ये वाला वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा बताइए, ये वाला वैल्यू किसके बराबर माइनस एक के, ये वाला वैल्यू किसके बराबर प्लस एक के, होगा कि नहीं होगा है। अब बताइए आपको एल एच लिमिट आर एच लिमिट फंक्शन वैल्यू निकालने में समस्या है क्या, नहीं ना समस्या है क्या रे बालक, बनेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा सब बताइए, बनेगा। चलिए अब इसी प्रकार का क्वेश्चन, टाइप वन आपका पूरा फुल खत्म हो गया, के जी सी ना का जो टाइप वन था वो पूरा फुल आपका खत्म हो गया ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके जरूर नोट करिएगा ठीक है, और क्वेश्चन में अगर समस्या हो तो जरूर बताइए। अब देखिए आपका क्या है, केसी सिन्हा के बुक में टाइप वन जिस तरह से बना है बिल्कुल लगभग उसी प्रकार से टाइप थ्री और टाइप फोर के क्वेश्चन बनेंगे ठीक है। तो हम लोग टाइप टू के बारे में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, टाइप थ्री और टाइप फोर देखते हैं क्योंकि उसी टाइप का है, उसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है ठीक है, देखते हैं। तो टाइप थ्री टाइप टू हम लोग टाइप थ्री क्या कहता है, देखिए टाइप थ्री कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, क्या कहता है डिस्कस क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ठीक है। आप सुनिए कि क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया रहेगा लेकिन उस पर किस पॉइंट पर चेक करना है ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको है दिया हुआ, डिस्कशन ज्यादा भी नहीं, एक्स प्लस टू चलिए इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी टाइप का है समझ गए, टाइप टू हाँ टाइप थ्री सॉरी टाइप थ्री पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी टाइप का, कोई पॉइंट आपको नहीं दिया रहेगा इसमें, कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिया रहेगा, सिर्फ कहेगा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यस, दैट मींस क्या होगा कि इसमें डिस्कस करने का अर्थ यह है कि हमको चेक करना होगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा अब ये चेक करने के लिए तो हमें कोई पॉइंट चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या, सुनिए सुनिए हाँ हाँ वही वही बताना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पॉइंट कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो एक बात जान लीजिए यहां पर जो पॉइंट दिया रहेगा, यहां पर जो पॉइंट जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल तीनों का कंडीशन होगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन का क्या हो जाएगा वो पॉइंट डाउटफुल पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माने हमको उस पर डाउट होगा कि x इक्वल्स वन पर क्या है ये कंटिन्यूअस है कि, तो हमें पहले ये जानना होगा कि डाउटफुल पॉइंट कौन है, जैसा कि हम देख रहे हैं इस फंक्शन में डाउटफुल पॉइंट कौन है, x इक्वल्स वन, क्या है डाउटफुल पॉइंट x इक्वल्स वन, माने जिसमें तीनों कंडीशन हो लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल, तीनों कंडीशन होगा वो क्या होगा आपका डाउटफुल पॉइंट, क्या होगा डाउटफुल पॉइंट। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट doubtful point of fx is x equals 1, माने इस फंक्शन का doubtful point कौन है x equals 1 है, तो अगर doubtful point x equals 1 है तो इसमें continuity का test किस पर करेंगे, किस point पर हम लोग continuity test करेंगे x equals 1 पर, क्योंकि डाउटफुल पॉइंट क्या है इसका x equals 1। अब एक बात आप जान लीजिए कि x equals 1 इसका डाउटफुल पॉइंट है, तो कंटिन्यूटी भी चेक किस पर करेंगे, सो वी हैव टू टेस्ट, सिंस देयरफॉर टू टेस्ट द कंटिन्यूटी
ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल्स वन पर हमको इसका कंटिन्यूटी का टेस्ट करना होगा, यानी कंटिन्यूटी की जांच करनी होगी। अब कंटिन्यूटी की जांच कैसे होती है आपको पता है, जिसमें आप एल एच लिमिट निकालिएगा, आर एच लिमिट निकालिएगा और फंक्शन, क्या आप हमको बताना होगा इसको कंटिन्यूटी कैसे चेक करना होगा, बताना है क्या हमको? आप लोग कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, सब बताइए, बिल्कुल कर लीजिएगा। इसी टाइप का आपको टाइप फोर भी क्वेश्चन है, टाइप फोर भी सेम बनेगा टाइप थ्री के तरह, क्योंकि टाइप थ्री में जिस तरह से डाउटफुल पॉइंट निकालना है उसी प्रकार से टाइप फोर में भी हमें क्या करना है, डाउटफुल पॉइंट निकालना है। पहले डाउटफुल पॉइंट निकाल लेंगे और जो डाउटफुल पॉइंट होगा उसी पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो उसे हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हो गया, द पॉइंट एट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब वैसा पॉइंट जिस पर क्या हो, कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन में अगर आपको क्या रहे कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस, और आपसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या पूछ रहा है पॉइंट ऑफ, तो क्या बोलिएगा, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन द फंक्शन हैव नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर फंक्शन हैव नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग का जो होमवर्क है वो है टाइप थ्री एंड टाइप फोर, टाइप थ्री एंड टाइप, इसका आपको पूरा फुल क्वेश्चन बना के लाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 16 से लेकर के आपका 21 तक, जिसमें क्वेश्चन भी है, दिया हुआ है क्वेश्चन सब, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर बना के देखिएगा, ठीक है, जो बने, अगर जो नहीं बनेगा वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।